देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोसी रिवर में अभी मैं हूँ, साथ में दीपक भाई और बीरू भाई, हम सब जने यहाँ पे बैठ के आगे टाइगर देखने का फुल मजा ले रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, देखिए और ये मरते मरते बचा है घोड़ा भी, देखिए लेपर्ड के हाथ से। देखिए दोस्तों, आगे स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही है और ये मेरी शॉप है। देखिए मेरी शॉप के आगे से स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही है, काफ़ी तगड़ी कॉल है। ये देखिए काफी तेज कॉल हो रही है, अंदर कंटिन्यू है। देखिए दोस्तों, अभी तक का काफी तेज कॉल चल रही थी, अब कॉल हो चुकी है बंद। कहीं ना कहीं वो आगे भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। अक्सर ज्यादा देखिए, अगर इस साइड में कॉल होती ना तो इस एनिमल्स इधर को आ जाते हैं। स्पॉटेड डियर की कॉल यहाँ बंद हो गई तो कहीं ना कहीं जो टाइगर है या लेपर्ड है, दोनों में से एक तो है ही जो कॉल चल रही है इस तरीके से, तो इस एरिया में भी आ सकता है। दोस्तों जैसे कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे स्पॉटेड डियर की कॉल चल रही थी, वो हो चुकी है बंद, तो मुझे तो यहाँ पे लगता है कि ये लेपर्ड है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अचानक से कॉल हुई थी ना और अचानक ही जो कॉल थी वो बंद हो चुकी है। तो देखिए ये जस्ट मेरे शॉप के आगे से है और इस एरिया में काफ़ी तेज कॉल चली थी, अब बंद हो चुकी है और अभी चल रही है कॉल कोसी रिवर पर। तो कहीं ना कहीं कोसी रिवर पर टाइगर हो सकता है। तो देखिए ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो कम से कम 300 मीटर का गैप है। यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ लेपर्ड है और वहाँ टाइगर। तो जिस समय इस एरिया में स्पॉटेड डियर की कॉल चली थी ना, तो मुझे यहाँ से भी आवाज़ आ रही थी, यानी कि कोसी रिवर से भी आवाज़ आ रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ लेपर्ड है और वहाँ टाइगर। तो अभी एक काम करते हैं, वहाँ से निकलते हैं हम सीधे गांव से होते हुए सीधे कोसी रिवर पे। कोसी रिवर पे जाके कंफर्म पता लगेगा कि आखिरकार कि इस एरिया में क्या था और वहाँ क्या है। तो वीडियो के साथ बने रहें, आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। टाइगर दिख सकता है जिस तरीके से आज कल इस एरिया में मूवमेंट चल रही है ना। टाइगर दो बार तो मुझे कंटिन्यू दिख चुका है, अभी तीसरे बार देखते हैं क्या होता है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से कोसी रिवर पे। तो दोस्तों ये रास्ता है अभी गांव से निकलते हुए सीधे कोसी रिवर पे, और देखते हैं कि आज क्या बनता है अंदर देखने को कोसी रिवर पे। जैसे कि देखिए अभी इस एरिया में कॉल चली है ना, तो कहीं ना कहीं टाइगर की साइटिंग भी हो सकती है। तो अभी हम याल रास्ता अपनाते हैं। इस रास्ते पे अक्सर ज़्यादा ना स्पॉटेड डियर, वाइट बोर, जंगली मुर्गियाँ काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलती हैं। ये एरिया भी बड़ा पनो नाले से सटा हुआ एरिया है। तो इसमें भी एनिमल्स देखने के चांसेस काफ़ी रहते हैं।
देखिए दोस्तों, ये सामने में आपको एक बिजली का पोल दिख रहा है, लेकिन लाइट तो है नहीं, खाली पोल ही पोल है यहाँ। और एक ये है यहाँ पर, एक बार मुझे यहाँ पे भी लेपर्ड दिखा था आज से 20 दिन पहले, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि ये एरिया काफ़ी, मतलब इसमें काफ़ी सारा झाड़ी है ना, और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो है ना कि जो लालटीना घास है ये सबसे ज़्यादा इसमें है, तो लालटीना घास में ना लेपर्ड क्या करता है, दबक जाता है, यानी कि छिप जाता है, नीचे बैठ जाता है, एकदम ज़मीन से सट जाता है। तो इस एरिया में स्पॉटेड डियर थे, काफ़ी तेज़ कॉल चली थी, मैं निकल कर आया वहाँ से इधर को और यहाँ पे खड़ा था, जो सामने जस्ट ये लकड़ी लगाए हुए है ना ये पोल के सामने में ही, बस यहाँ से मैंने इस एरिया में लेपर्ड देखा। जो जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने के लिए ओपन किया था, और इस ग्राउंड में ढेर सारे लड़के मैच खेले थे, तो उनको लगा कि इसने कुछ देख लिया है, और आगे तो कॉल चल रही थी स्पॉटेड डियर की, उनको लगा कि इसने कुछ देख लिया है, तो एकदम से वो भी भागते हुए आए, तो उन्होंने तुरंत बोला मनोज भाई आगे कॉल चल रहा है, एकदम से उन्होंने आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया, इतने तेज़ तेज़ चिल्लाया, तो उतने में वो लेपर्ड नीचे बैठा, और उसके बाद वो हल्के हल्के यहाँ से क्रॉस होकर सीधा अंदर बढ़ गया था, उसके बाद दिखाई नहीं दिया। तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था और बताया भी नहीं था, लेकिन आज मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए। लेकिन उधर से बीरू भाई हाथ हिला रहा, तो वहाँ चलते हैं, शायद मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट हो सकती है उस एरिया में। तो दोस्तों अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से आगे के लिए, बीरू भाई के पास जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ ना, इस एरिया में जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि टाइगर हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में भी काफ़ी तेज़ कॉल चली थी, कहीं ना कहीं बीरू भाई ने देख लिया हो टाइगर, क्योंकि बीरू भाई आगे खड़ा है। देखिए दोस्तों, आगे टाइगर पानी में बैठा हुआ है, अभी मैं तुमको दूरबीन से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों भाई, ये मुझे दिखा बड़ा शानदार, मैं तो आया था नींबू लेने के लिए, हमारे घर तक चिक्कल आ गई थी दौड़ के। देखिए दोस्तों, जबरदस्त बैठा है पानी में, जबरदस्त बैठा भाई, आ रहा सही। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई, छाँव हो रहा है ना, छाँव अंदर होगा भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोसी रिवर में अभी मैं हूँ, साथ में दीपक भाई और बीरू भाई, हम सब जने यहाँ पे बैठ के आगे टाइगर देखने का फुल मजा ले रहे हैं। ये टाइगर ऊपर से निकल के आया है, इधर से तो बीरू भाई ने रिकॉर्ड किया है, यहाँ पे हम नहीं पहुंच पाए, बीरू भाई ने भी रिकॉर्ड किया है, और अभी अंदर बैठा हुआ पानी में फुल ऐस ले रहा है, देखिए वो, और अभी हम धूप में खड़े हुए हैं। दोस्तों देखिए उठ गया है, ये क्या है दोस्तों, देखिए निकल गया दोस्तों, देखिए गया गया। ठीक है दोस्तों, टाइगर वहाँ से निकल कर इधर को आ गया है, और अभी हम यहाँ से पानी क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, अभी हमको आगे दिखे गए, जबरदस्त बैठा है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। पानी काफी फिसलन हो रहे पत्थर, इसमें भी बहुत फिसल रहे पत्थर। पानी में देख रहे हैं काय लग गई है, पत्थर फिसल रहे हैं काफी जबरदस्त।
फाइनली देखिए यहाँ से हमने क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे बैठे हुए थे सूखे के सामने में। अभी टाइगर वहाँ से निकल के इधर आ गया है तो इधर दिखने की चांसेस हैं उसके। अगर देखिए अगर पानी में बैठ गया वहाँ से उड़ गया तो थोड़ा देर वहाँ रुक सकता है, बाकी इधर को चलते हुए दिखाई देगा। देखिए दोस्तों वहाँ से हिरन भाग रहे हैं, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ से स्पॉटेड डियर निकल के इधर को आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं टाइगर यहाँ से निकल कर सीधे बड़ा पनोह नाले पे भी जा सकता है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं सीधे हाईवे पे और हाईवे से सीधे बड़ा पनोह नाला, क्योंकि उस एरिया में भी दिख सकता है टाइगर, और उस एरिया में अगर कॉल हो गई तो कहीं ना कहीं टाइगर देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहें, अभी यहाँ से निकलते हैं हम बड़ा पनोह नाला। देखिए दोस्तों ये घोड़ा है और इस पर आज से दो दिन पहले लेपर्ड ने हमला किया था। देखिए इसके गले पर दिख रहा आपको निशान, ये देखिए, और आगे वाले टांग पे यानी कि जो लेफ्ट हैंड टांग है उस पर भी काफ़ी तगड़े निशान लगे हुए हैं, और पीठ पे तो आप देख ही पा रहे हैं ढेर सारे निशान इस पर। और ये मरते मरते बचा है घोड़ा भी, देखिए लेपर्ड के हाथ से, ये चेक करें पीठ में निशान लगे हुए हैं। मतलब ये समझ लो ना कि ये भी मरते मरते बचा है, देखिए। और ये इसी एरिया में भी घूम रहे हैं, न जाने किसके हैं ये घोड़े। काफ़ी ख़तरनाक अटैक हुआ था इस पर भी, ये बीच में छोटा पनो नाले के पास में ही इस पर अटैक हुआ था। ये देखें उस वाले टांग पे देखिए इसके, ये देखें खतरनाक निशान लगाए हैं इस पर नाखून के। देखिए दोस्तों आगे जो स्पॉटेड डियर है ना ये काफ़ी अलर्ट है और काफ़ी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यानी कि देखिए जैसे ही नीचे घास चुगने के लिए सर नीचे कर रहा है उसके बाद तुरंत ऊपर उठा रहा है, और कान देखिए कैसे हिला रहा है, ये देखिए ये चेक करें, काफ़ी दूर है मुझसे। और देखिए इसकी मूवमेंट चेक करना आप भी, किस तरीके की मूवमेंट कर रहा है। मुझे तो उसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि इसके कहीं ना कहीं करीब मैं टाइगर है जो उसको उसकी गंध जा रही है, और यहाँ पे अकेला है, ये देखिए ये काफ़ी अजीब सी मूवमेंट कर रहा है, डरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। देखिए पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही स्पॉटेड डियर है, यहाँ पे भी इधर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये खड़ा है और अलग अलग मूवमेंट कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है सर, कभी ऊपर उठा रहा है, कभी दाएँ कभी बाएँ देखते रह रहे हैं। ये देखिए अभी इसने टाइगर देखा नहीं है, स्मेल इसने ले ली उसकी, जो टाइगर की गंध होती है वो ले ली इसने, इसलिए काफ़ी अलर्ट रह रहा है। अगर जहाँ से ये देख लेगा ना वहाँ से कॉल करना स्टार्ट कर देगा, अगर टाइगर को इसने देख लिया तो वहाँ से टाइगर भी खुले में निकल जाएगा। अभी वेट करते हैं यहाँ पे कि क्या मूवमेंट रहती है अभी, और देखते ही देखते स्पॉटेड डियर अंदर जंगल में कुछ चला गया है, काफ़ी डरा हुआ है, अभी भी जा रहा है, देखिए आगे है, काफ़ी आगे पहुँच गया, देखिए काफ़ी अलर्ट होते हुए चल रहा है आगे के लिए, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो जैसे कि मैं आगे गया था बड़ा पनोह नाले पर, वहाँ पर भी दो एक कॉल चली, उसके बाद माहौल शांत हो गया और मैं निकल कर ग्राउंड पर आ गया। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि अभी वो दिख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहीं घनी झाड़ियों में बैठ चुका है। तो आज की वीडियो भी यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।